इतिहास का वो अकेला ऐसा इंसान था जिसे विश्व विजेता के तौर पर याद किया जाता है। अलेक्जेंडर द ग्रेट पहला ऐसा इंसान जिसने पूरी दुनिया को जीतने का सपना देखा था, जिसने कभी भी कोई भी युद्ध नहीं हारा, और भारत में हम उसे सिकंदर महान के नाम से जानते हैं। इस वीडियो में आप सिकंदर महान के बारे में 24 ऐसी बातें जानोगे जो शायद ही आपको पता होगी। नंबर वन, सिकंदर महान को इतिहास के 100 सबसे प्रभावशाली इंसानों में गिना जाता है। उनको अलेक्जेंडर थर्ड और अलेक्जेंडर मैसेडोनिया के नाम से भी जाना जाता है। अलेक्जेंडर मैसेडोनिया का शासक था। मैसेडोनिया प्राचीन ग्रीस में एक साम्राज्य था। नंबर टू, अलेक्जेंडर नाम ग्रीक भाषा के दो शब्द से मिलकर बना है। पहला है अलेक्स, जिसका मतलब है टू प्रोटेक्ट। दूसरा शब्द है एंड्रांस, जिसका मतलब है मैन। तो अलेक्जेंडर का मतलब हुआ द प्रोटेक्ट ऑफ मैनकाइंड, यानी मानवता का रखवाला। नंबर थ्री, ये कहा जाता है कि सिकंदर जिस दिन पैदा हुए थे उस दिन ग्रीस के टेंपल ऑफ आर्टेमिस को जला दिया गया। ये किसने और क्यों किया था इस बारे में इतिहास में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती। टेंपल ऑफ आर्टेमिस दुनिया के 7 अजूबे में शामिल था। नंबर फोर, अलेक्जेंडर द ग्रेट दुनिया के सबसे महान फिलोसोफर में से एक अरस्तु के स्टूडेंट थे। जब अलेक्जेंडर 13 साल के थे तो उनकी शिक्षा के लिए उनके पिता ने अरस्तु को चुना था। अरस्तु ने अलेक्जेंडर को 3 साल तक पढ़ाया, जब तक अलेक्जेंडर 16 साल के नहीं हुए। इसके बाद उनके पिता फिलिप की हत्या हो गई और अलेक्जेंडर मैसेडोनिया की गद्दी पर बैठा। अरस्तु ने उसे रिलीजन, मोरल लॉजिक और फिलोसफी की शिक्षा दी। नंबर फाइव, अलेक्जेंडर को हिटरकोर्मिया इंड्रिन था, जिसकी वजह से उसकी दोनों आंखों का कलर अलग अलग था। नंबर सिक्स, कुरान शरीफ में एक बादशाह धूल खैराना की कहानी आती है। बहुत से स्कॉलर्स का ये मानना है कि ये कहानी अलेक्जेंडर द ग्रेट की है, मतलब कुरान दुलंग केरने नाम से जिस बादशाह का जिक्र आता है शायद वो सिकंदर ही है। नंबर सेवन, सिकंदर अपनी पहली जीत से लेकर मृत्यु तक अपराजित रहा। वो किसी से हारा नहीं। उसकी मिलिट्री टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजी आज भी दुनिया भर की मिलिट्री एकेडमी में पढ़ाई जाती है। नंबर एट, सिकंदर अपनी मृत्यु के लगभग उन सभी भूमि से लगभग आधी भूमि को जीत चुका था जिसकी जानकारी प्राचीन ग्रीस के लोगों को नहीं थी। इसके बाद भी वो पृथ्वी के सिर्फ 5% हिस्से को ही जीत पाया था। नंबर नाइन, सिकंदर की सेक्सुअलिटी को लेकर कुछ कंट्रोवर्सी है। कुछ हिस्टोरियन ने उन्हें बायसेक्सुअल बताया था। रोमन एरा के ग्रीक राइटर एथेनियंस ने इस बारे में लिखा था। नंबर टेन, अलेक्जेंडर की 3 पत्नियां थी, रुक्सना, बारसिन, परस्तिस। नंबर 11, अलेक्जेंडर जब अपनी फ्यूचर वाइफ रुक्सना से मिला था तब वो लव एट फर्स्ट साइट था। नंबर 12, ये कहा जाता है कि सिकंदर के 2 बेटे थे। कहा जाता है कि सिकंदर की मृत्यु के बाद दोनों की हत्या कर दी गई। नंबर 13, पर्सिया पर फतह हासिल करने के बाद सिकंदर ने सोचा कि अगर वो पर्सिया लोगों की तरह दिखेगा तो उसे वहाँ बादशाह कायम करने के में आसानी रहेगी और वो वहाँ के लोगों से भी ज़्यादा घुल मिल पाएगा। उसने वहाँ के राजाओं के पहनावे को अपना लिया। उसने पर्सिया लोगों को भी अपनी आर्मी में शामिल करना शुरू कर दिया। नंबर 14, सिकंदर को सबसे कांटे की टक्कर भारत के राजा पुरु ने दी थी। एक ग्रीक हिस्टोरियन ने राजा पुरु को पोरस नाम दिया है। सिकंदर के विजय रथ को रोकने में पुरु ने सबसे अहम भूमिका निभाई थी। उसने सिकंदर की सेना के मन में खौफ पैदा कर दिया था और उसे भारत से लौटने पर मजबूर कर दिया था। नंबर 15, सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। नंबर 16, सिकंदर के बाद बुसफेलस नाम का एक घोड़ा था जिसे वो बेहद प्रेम करता था। जब सिकंदर पंजाब आया तो वहाँ उसके घोड़े की मृत्यु हो गई। सिकंदर ने पंजाब में झेलम नदी के किनारे 2 शहर बसाए थे। उसमें से उसने एक शहर का नाम अपने घोड़े का नाम पर रखा था। नंबर 17, दुनिया के किसी भी हिस्से को जीतने के बाद अलेक्जेंडर वहाँ अपने नाम से एक नया शहर बसाकर अपनी जीत को सेलिब्रेट करता था। दुनिया भर में
लगभग 70 शहरों को उसने अपने नाम पर अलेक्जेंड्रिया नाम दिया था। नंबर 18, फुटाक जो कि एक ग्रीक हिस्टोरियन थे, वो अपनी बुक लाइफ ऑफ द नोबल ग्रीक्स एंड रोमन्स में लिखते हैं कि अलेक्जेंडर के शरीर से बेहद सुगंध महक निकलती थी। उनके शरीर से इतनी मनोहर सुगंध आती थी कि वो उनके कपड़ों को भी सुगंधित करती थी। नंबर 19, सिकंदर ग्रीस के महान कवि होमरंग के काफ़ी प्रेरित था। वो होमर की पोयम इटलियन को बड़े शौक से पढ़ता था। ये बुक उसे उसके गुरु अरुस्तु ने दी थी। अलेक्जेंडर ने उसने हर दिन पढ़ता था, यहाँ तक कि वो अपने कैंपेन के दौरान भी हर समय वो इसे अपने साथ रखता था। नंबर 20, 323 BC में सिकंदर की मृत्यु बेबलोन में हुई थी, उस शहर में जिसे वो अपनी कैपिटल बनाना चाहता था। नंबर 21, सिकंदर की मृत्यु दुनिया के सबसे बड़े एक रहस्यमय मृत्यु में से एक है। उसने महज 32 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया था। उसकी मृत्यु कैसे हुई इस बारे में कोई कुछ नहीं जानता। कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि अलेक्जेंडर को जहर दिया गया था, कुछ कहते हैं कि मलेरिया से उसकी मृत्यु हो गई थी। नंबर 22, सिकंदर की मृत्यु बेबलोन में हुई थी, लेकिन उन्हें कहाँ दफना जाए इसको लेकर काफ़ी विवाद हुआ और आखिर में उनको इजिप्ट के शहर अलेक्जेंड्रिया में दफना गए। ये शहर अलेक्जेंडर ने ही बसाया था और अपने नाम पर ही इस शहर को नाम दिया था। अलेक्जेंडर के शरीर को एक पत्थर के ताबूत में रखा गया है और उस ताबूत को शव से भर दिया गया। इसके बाद उसे इजिप्ट लाया गया था। नंबर 23, इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया शहर में सिकंदर की कब्र थी। उनके मरने के 600 साल तक उनकी कब्र सारी दुनिया के लोगों के लिए तीर्थ स्थान रही। दुनिया के कोने कोने से लोग उनके मकबरे को देखने आते थे। 4th सेंचुरी की शुरुआत में सिकंदर की कब्र कहीं गायब हो गई। नंबर 24, मरने के सदियों बाद तक भी रोम के लोगों के लिए सबसे ज़्यादा एडमायर किए जाने वाले ऐतिहासिक शख्स थे। यही वजह है कि रोम के कुछ महान हस्तियों जैसे जूलियस सीजर, मार्क एथनी और अगस्त ने भी अलेक्जेंडर के कब्र को विजिट किया था। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आपको इस वीडियो के बारे में राय देनी है तो हमें कमेंट कर दीजिए। और आपको हिस्ट्री की वीडियो और चाहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।